हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद आईएएस में। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते होंगे राज्यपाल ने यहां पर एक बड़ा आदेश दिया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जी हाँ दोस्तों, परीक्षाओं के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। सब कुछ यहाँ पर हम विस्तार से जानने वाले हैं, तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ साथ स्कॉलरशिप, बीएड और डीएड से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते होंगे आज की इस न्यूज़ को, आज दिनांक 23 जुलाई 2020 को अमर उजाला न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है। राज्यपाल की राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को दो टूक, कहा राजभवन तक नहीं आनी चाहिए छात्रों कोई कोई भी शिकायत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कुलपतियों को इसीलिए नियुक्ति दी गई है कि किसी भी स्टूडेंट्स की जो शिकायत है वो लखनऊ राजभवन तक नहीं पहुँचनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्रों की जो भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, जो समस्याएँ, उन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर ही हल करना चाहिए। यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। विश्वविद्यालय ऐसी कोई गलती नहीं करें जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़े। इसके साथ ही राजभवन तक कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते होंगे राज्यपाल ने बुधवार को प्रदेश के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये बात कही। इसके साथ ही राज्यपाल ने यह भी बताया कि कुलपति एवं अध्यापकों की जो नियुक्ति है वो छात्रों के लिए ही होती है, इसलिए वे छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए काम करें। शिक्षक अपनी योग्यता को ध्यान में रखते हुए छात्रों के बीच अपनी छवि स्वच्छ बनाएं। कुलपति स्वकेंद्रित होकर कार्य ना करें बल्कि अध्यापकों की क्षमता का भरपूर उपयोग करें। कुलपति अध्यापकों एवं छात्रों को विश्वास में लेकर कार्य करेंगे तभी विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो सकेगा। सभी समितियों में छात्रों को भी शामिल करने, इससे कई समस्याएँ स्वतः खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही राजभवन के मंजूर के बिना चार्ज नहीं दें। राज्यपाल ने कहा कि कोई भी कुलपति अपनी अनुपस्थिति में राजभवन की इजाज़त के बिना किसी को चार्ज नहीं देगा। इसके साथ ही एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है। विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार ही परीक्षाएँ कराएँ, इसमें कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल की तरफ से यही जानकारी दी गई है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो UGC, इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही परीक्षाओं का आयोजन करें। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।